आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ। आज जो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए, कितने लोग हैं और किस इलाके के लोग हैं? आज भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस में करीब अलग अलग विलेज से, खासकर शिशोत इलाके से करीब करीब जो है 200 के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी ने सबको वेलकम किया। और इसमें जो है ज़्यादातर यूथ है, महिलाएं हैं और कुछ बुजुर्ग भी है और बहुत सारे कांग्रेस के एक्टिव वर्कर्स भी हैं, तो हमने सबको वेलकम किया। और मुझे गर्व इस बात की है आज लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वॉलंटियरली ज्वाइन कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है, ये मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह भारत में शासन संभाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, और हमारे जितने भी इसी कार्यक्रमों द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ, ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हुआ, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को हमने ध्यान रखा और उसको रखते हुए ये बहुत सारे काम हुआ। यूनियन टेरिटोरी को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्वारिका इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, पावर सप्लाई आजकल 24 घंटे जो अंडे में दे रहे हैं, तो ये सारे ध्यान में रखते हुए लोग बहुत खुशी से वॉलंटियरली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के लिए हमें बहुत एक जोर बल मिल रहा है और आने वाले चुनाव जो है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में लोगों ने डालना है, क्योंकि लोग ये भी जानते हैं केंद्र में जो पार्टी सरकार में बैठते हैं उसी पार्टी को यहाँ लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल में लाना होता है, ताकि दोनों जो है कोऑर्डिनेशन के साथ, कोलेबोरेशन के साथ बहुत अच्छा विकास चले, काम चले। तो इसी उम्मीद के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, हम इसको वेलकम। चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इस जो जो शामिल लोग हुए इसको किस रूप में देखें? इसको मैं इसको जो शामिल हुए इसको चुनाव के संदर्भ में नहीं देखता हूँ, क्योंकि चुनाव का हाँ बिल्कुल बज चुका है, ये बात सही है, लेकिन हमने बहुत अच्छा लद्दाख में काम किया। यूनियन टेरिटोरी से लेके यहाँ के जो विशेष संस्कृति, परंपरा, स्वारिका, इन सब को बचाने के लिए, और खासकर कल आपने देखा जो इंडस रिवर पे एक डबल लाइनिंग ब्रिज 60 मीटर का जो लॉन्च हुआ, इनोग्रेट हुआ, ये जो है एक रिकॉर्डेड टाइम विद इन 17 महीने में हमने इस काम को कंप्लीट किया, तो ये एक रिकॉर्डेड है। वो सब इतने अच्छे अच्छे कामों को इम्प्रेस होकर लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। अब चुनाव का बिल्कुल बज चुका है, तो ऑब्वियसली इसका प्रभाव जो है चुनाव पे जरूर पड़ेगा। आपकी तैयारी कैसी है इसमें? तैयारी अभी फिलहाल ऑफिशियली हमने शुरू नहीं किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है हमेशा तैयारी में रहते हैं, चाहे वो चुनाव हो या ना हो, कोविड में लोगों को सेवा करना हो, वार्ड में लोगों को सेवा करना हो, हर वक्त हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो सब जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं। फोकस न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।